हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चोरी और लूट के गिरोह के साथ अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित योजना गरीब को अन्न पखवाड़ा शुरू। डीएम ने कहा राशन कार्ड को कराएं आधार कार्ड से फीडिंग, तभी मिलेगा राशन। 135 पेटी हरियाणा निर्मित शराब ले जा रहे डीसीएम को सहजना पुलिस ने लिया गिरफ्त में। एसपी नॉर्थ ने बताया हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे अवैध शराब, एक अभियुक्त गिरफ्तार। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आयोजित हुई कार्यशाला, डीएम ने कहा जनपद को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में उच्च रैंक दिलाने में करे अपनी भूमिका का निर्वहन। गोरखपुर विश्वविद्यालय में साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की मांग को लेकर छात्रों ने कुलपति कक्ष का किया घेराव, हुई तीखी नोकझोंक। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं को गुणवत्ता पूर्वक समयानुसार पूरा करने के दिए निर्देश। एससी एसटी एक्ट को लेकर अध्यादेश लाने के विरोध में सोन उत्थान समिति के सदस्य 8 अगस्त को बनाएंगे काला दिवस। जिलाधिकारी ने जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को संभावित बाढ़ के मद्देनजर मॉडल राहत शिविर एवं राहत कैंप संचालित करने के दिए दिशा निर्देश। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विकास भवन परिसर में किया प्रदर्शन, कहा 9 अगस्त को होगा विशाल धरना प्रदर्शन। शहर के कई क्षेत्र में जारी है बिजली चोरी, अभियान के तहत होगी कार्रवाई। कटिया कनेक्शन वाले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को विभाग आधार कार्ड के माध्यम से देगा कनेक्शन। और खजनी के नव निर्वाचित बीडीसी सदस्यों को 8 अगस्त को कराया जाएगा शपथ ग्रहण।